व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मुनीम अख्तर, अ न्यू टॉपिक विच इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो लेट्स मूव। जी व्यूअर्स, हमारे पास जो बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, जो कि कंप्यूटर्स इन फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ मशीन विच इज यूज टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास जो गैजेट होता है, जो हार्डवेयर होता है, वो जो भी यूज होता है, वो आपके सामने वन बाई वन जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है जी कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस आपके पास एक ऐसा पार्ट ऑफ इक्विपमेंट है जिसमें आपके पास सिस्टम के इंटरनल जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इस बॉक्स में जो है वो रिजाइड कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जहाँ पे ये आपको मैंने क्लिक किया है अभी। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड केसिंग्स। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इज एन अदर टाइप ऑफ हार्डवेयर जो कि आपके कनेक्टेड डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, तो वो आपके पास इज कॉल्ड पावर सप्लाईज। नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास रिजाइड कर रहा है इज अ मदरबोर्ड्स। मदरबोर्ड्स जस्ट लाइक एज नेम सजेस्ट, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल बोर्ड इज कॉल्ड मदरबोर्ड्स। ऑल पार्ट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर इन अ स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब मदर ऑफ ऑल रिलेटेड हार्डवेयर जो है आपके पास। जैसे हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज कंपेयर टू द हार्डवेयर इज द टेंजिबल, यू कैन जस्ट टच एंड फील द एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है सीपीयू। सीपीयू इज यू कैन सी अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनी डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, और यू कैन सी अ एंड्रॉयड डिवाइसेस। इसमें एक छोटी चिप लगी होती है जो आपकी चीजों को प्रोसेस करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, इज कॉल्ड CPU or you can say a processor. Just like जैसे आप लोग Android phone लेते हैं तो जी मुझे तो चाहिए 3.5 GHz, तो the particular specific statement is used for the CPU. Hard drive is another physical media, just like जैसे zip drive होगी आपके पास, तो hard drive is another type of drives which is connected in your systems is called स्टोरेज डिवाइसेज। जहां पर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं इज कॉल्ड हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स आपके पास इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, जिसको आप लोग इजीली डाटा स्टोर करके मूव कर सकती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड फोन्स, तो एंड्रॉयड में आपके पास रोम इज कॉल्ड हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट आ जाता है सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड फॉर द डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इन दोनों, ये दोनों टाइप की जो सीडी और डीवीडीज है आर नॉर्मली यूज टू स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सीडी में आपके पास यू कैन स्टोर अप टू 700 MB डेटा ओनली एन अ सिंगल, यू कैन सी अ सीडी। और जो आपके पास डीवीडी इज जस्ट लाइक अ सीडी ड्राइव, तो सीडी जो होती है, डीवीडी जो होती है, यू कैन स्टोर मिनिमम 4.5 GB डेटा। तो दिस इज द डिफरेंस। अब जब आपने इन दोनों को यूज करना है तो उसके लिए जो आपके पास जो गैजेट्स यूज होता है, जो डिवाइस यूज होती है, उसे कहते हैं बर्नर, जो कि आपकी चीजों को राइट करना इज कॉल्ड बर्न और वहां से एक्सेस करना इज कॉल्ड रीड्स। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट इसका एग्जिस्ट कर रहा है इज कॉल्ड वीडियोग्राफिक पार्ट। और वीडियोग्राफिक कार्ड्स, इसको आप लोग VGA भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मली आप लोगों के पास, सपोज आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम है, तो डेस्कटॉप की जो आपकी LCD या LED होगी वो आपके मेन CPU के साथ अटैच होगी। वो जिस कनेक्शन पर अटैच होगी वो पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड VGA। तो VGA इज द डिवाइस नॉर्मली यूटिलाइज टू विजुलाइज द इंटरनल स्टोर डाटा ऑन द स्क्रीन। तो वो डिवाइस इज कॉल्ड थ्रू द VGA, जो आप लोग जो है वो इजीली एक्सेसिबल होती है। नेक्स्ट आ जाती है मेमोरी। मेमोरी में आपके पास एक जो जस्ट लाइक आपके पास रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज यूटिलाइज नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फेज। तो आप लोगों ने जब भी आप लोग मोबाइल्स लेने जाते हैं तो नॉर्मली आप रैम और रोम को जो है वो कंसीडर करते हैं। तो जिस सिस्टम की रैम ज़्यादा होगी वो सिस्टम आपको ज़्यादा ऐप्स को इंस्टॉल करने में हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाती है। अदरवाइज अगर आपके मोबाइल की रैम जो है वो कम होगी तो आप लोग एक या दो ऐप ही इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मली हाल्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेमोरी, रैम इज़ एन अदर टाइप ऑफ मेमोरी विच इज़ नॉर्मली यूज बाई
प्रोसेसर, नॉट एनी सिंगल यूजर्स। तो डायरेक्टली जो है वो मेमोरी के साथ, इस मींस रैम के साथ यूज़र का जो है वो कनेक्शन नहीं होता। ये आपका सीपीयू मींस प्रोसेसर, और जब प्रोसेसर को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए एक्चुअल फिजिकल वे में जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है वो इज कॉल्ड मेमोरी। नेक्स्ट आपके पास रिजाइड कर रहा है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एज यू इमेजिनाइज, कोई वॉइसेस सुनना चाहते हैं, आपने कोई वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब से, तो साउंड कार्ड भी आपके इंटरनल एक ऐसा इक्विपमेंट है वो जो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सुनाने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर इज अनदर टाइप ऑफ डिवाइसेस। नॉर्मली यू वांट टू विजुलाइज द डाटा, जैसे आपके पास LCD होगी, LED होगी, या आपके टच स्क्रीन हो गई है, तो इज कॉल्ड मॉनिटर्स। नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस आर टू मेन इनपुट डिवाइसेस, नॉर्मली यूटिलाइज टू फीड द डाटा इनटू द पर्टिकुलर सिस्टम। कीबोर्ड आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो वहाँ पे आपका वर्चुअल कीबोर्ड है और माउस होता है, और जैसे आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास सेपरेट जो है वो ये दोनों चीज़ें। अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप सिस्टम में ये अलहदा से आपके पास विजिबल हो। नेक्स्ट इज प्रिंटर। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ हार्ड कापी ऑफ द सॉफ्ट कॉपी, जस्ट लाइक जैसे आपके पास बुक्स होती हैं, बुक इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब आपने सिस्टम के अंदर डिजाइन की है इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, और जब आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उस प्रिंट लेने के लिए आपको कोई खास डिवाइस, कोई खास गैजेट चाहिए, इज कॉल्ड प्रिंटर। तो जस्ट लाइक ये देखें जी, जस्ट लाइक जहाँ पे मैंने माउस को क्लिक किया है तो ये इज कॉल्ड प्रिंटर्स। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन डिवाइसेज। नॉर्मली एवरी सिस्टम हैव ऑल दीज डिवाइसेस। अगर इनमें से कोई भी एक स्किप हो जाएगी आपका सिस्टम वो जो है वो काम नहीं करेगा जी। उसके बाद अदर ऑप्शनल जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, के अलावा आपके पास अदर कुछ ऑप्शनल डाटा भी और ऑप्शनल आइटम यूज है, जिसमें है फर्स्ट वन है स्कैनर्स। स्कैनर इज अनदर टाइप ऑफ डिवाइसेस। यू वांट टू स्कैन और स्टोर द हार्ड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन टू अ सॉफ्ट। तो आप लोग फिर क्या करते हैं, सपोज आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपने कंप्यूटर में लेकर जानी है, तो आप स्कैनर के थ्रू जो है उसको स्कैन करेंगे और वो सॉफ्ट कॉपी आपके सिस्टम में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट है फैक्स। फैक्स इज अनदर टाइप ऑफ मशीन, नॉर्मली यूटिलाइज इन बिजनेस, इन ऑफिस। यू वॉन्ट टू सेंड अ पर्टिकुलर डाटा इन टू एन अदर ऑफिस, तो फैक्स मशीन इज नॉर्मली यूटिलाइज। नेक्स्ट आ जाता है यूएसबी हब। यूएसबी हब, यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इज अनदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट है जो नॉर्मली ऑफिस में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज राउटर। राउटर इज नॉर्मली अनदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन अ नेटवर्किंग। इफ यू वांट टू कनेक्ट मोर देन वन सिस्टम विद ईच अदर फॉर द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, यू मस्ट यूज अ पर्टिकुलर गैजेट। द पर्टिकुलर गैजेट इज कॉल्ड द राउटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीकर सिस्टम। स्पीकर सिस्टम इज अनदर टाइप ऑफ द डिवाइसेज। कि आप वॉइसेस को सुनना चाहते हैं, तो जब आप लोग वॉइसेस को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप डिवाइस यूज करेंगे उसे कहते हैं स्पीकर। दीज आर द ऑप्शनल सिस्टम्स नॉर्मली आपके पास जो है वो यूज होती हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एज आई डिस्कस अर्लियर कि जो फिजिकल पार्ट आर टचेबल आइटम ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, जिसमें आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउसेस हो गए, और उसके अलावा जो आपके पास वो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर जितनी भी इक्विपमेंट होती हैं वो सारे आपके पास हार्डवेयर के। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो सॉफ्टवेयर इज अ नॉन टचेबल आइटम ऑफ द कंप्यूटर्स बाय एनी यूजर्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे आपने अगर आपने सिस्टम में एमएस ऑफिस को इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई ब्राउजर इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई गेम इंस्टॉल की हुई है, आपकी जो है कोई डाटा, आपने बुक लिखी हुई है, वो आपके सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है, तो दीज आर ऑल कॉल्ड यू कैन से अ सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास एग्जांपल की है एमएस ऑफिस एंड कोरल ड्रा वगैरह। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर्स। तो जो आपके डाटे को इनपुट करने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं सारी डिवाइसेज आपकी इनपुट डिवाइसेज कराती हैं, और जो आपकी स्क्रीन पे नजर आती हैं उसे आउटपुट कहते हैं। एनी सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट नॉर्मली यूटिलाइज टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। सबसे फर्स्ट वन है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपके पास आपके सिस्टम के साथ अटैच होता है, अगर आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, बट आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो उसमें आपके पास
एज सच फिजिकल जो है वो कीबोर्ड नहीं होता बल्कि वो आपका वर्चुअल कीबोर्ड होता है, तो वो भी आपका कीबोर्ड ही कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है माउस। तो माउस इज अनदर टाइप ऑफ हार्डवेयर नॉर्मली यूटिलाइज और पिन पॉइंट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपने डी ड्राइव में जाना है, तो माउस के थ्रू आप डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, फिर पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो माउस इज नॉर्मली यूटिलाइज। नेक्स्ट आ जाता है सीडी रोम। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जस्ट लाइक ये देखें जी आपके पास जिसमें सीडी भी डाली हुई है और साथ में वो आपके पास ये गैजेट नजर आ रहा है, तो इसे कहते हैं सीडी रोम। तो सीडी रोम जो है आपके डाटा को जस्ट रीड करने में हेल्प प्रोवाइड कर रही है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क अनदर टाइप ऑफ, आप लोग जैसे यूएसबी यूज करते हैं उस वक्त फ्लॉपी डिस्क जो है वो नॉर्मली यूटिलाइज की जाती थी। नेक्स्ट आ जाइए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज जस्ट लाइक ये देखें जी आपके पास माइक्रोफोन है, तो इसके थ्रू आप मींस कि आप अपनी वॉइसेस को ज्यादा लाउडली जो है वो शो डाउन करवाना चाहते हैं, तो नॉर्मली यूज द माइक्रोफोन्स। नेक्स्ट आ जाता है स्कैनर्स। स्कैनर इज अनदर टाइप ऑफ द डिवाइसेस, नॉर्मली जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि स्कैनर आपके पास चीजों को स्कैन आउट करने के लिए, आपके हार्ड जो मटेरियल्स हैं उसको कंप्यूटर में फीड आउट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा मींस ऐसा कैमरा जो आपकी तस्वीर को, आपकी ऑडियो को कंप्यूटर में करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, इज कॉल्ड द डिजिटल कैमरा। लाइट पेन, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द स्क्रीन, स्क्रीन एज अ इनपुट एंड एज अ आउटपुट। तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे व्हाइट बोर्ड होते हैं तो उस पर आप लोग एक पेन की शेप में जो है वो राइट डाउन कर सकते। उसके बाद आ जाता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज यू कैन सी है यूएसबी डिवाइसेस जो आप लोग जस्ट प्लग इन प्ले होती हैं, आप लोग डाटा जो है वो मोबाइलिटी के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। जॉयस्टिक इज अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, नॉर्मली इफ यू वांट टू प्ले द गेम्स। ये देखें जी ये आपके पास ये हैम्बर सा बना हुआ है, ये हैम्बर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ इज अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉर्मली इफ यू वांट टू ट्रांसफर आवर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस इज कॉल्ड द ब्लूटूथ। इंफ्रारेड डिवाइसेस, इंफ्रारेड डिवाइसेस आर नॉर्मली अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, नॉर्मली यूज टू कंट्रोल द ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक आप लोग टीवी का रिमोट जो यूज करते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि आपका रिमोट और आपकी डिवाइसेज जो है आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो कम्युनिकेशन थ्रू द इंफ्रारेड वेव्स जो है वो आपके पास जो है वो एक्सेसिबल होती हैं और इस तरीके से वो जो है वो काम परफॉर्म करती हैं। कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज फॉर द पीसी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज अ 104 कीज। तो ये देखें ये जो कीबोर्ड आपके पास लाई कर रहा है ये फिजिकल शेप है और इसमें नॉर्मली 104 कीज होती हैं। माउस, माउस इज आल्सो प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज फॉर द पीसी, इट इज यूज्ड एज अ पॉइंटर। तो आप लोग जो है वो माउस के थ्रू जो है वो पॉइंटर यूज करते हैं। इट कैन परफॉर्म्स फंक्शन लाइक सिलेक्टिंग, आपने किसी को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं पिक्चर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ ये देखें जी हाईलाइट हो गई है। रीसाइजिंग, आप लोग कॉर्नर से उसको पकड़ते हैं और उसको रीसाइज कर देते हैं, आप उसको पकड़ते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपनी जगह पे। स्टार्टिंग प्रोग्राम्स, आप लोग स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग चूजिंग ऑप्शंस, आप लोग क्लोज करना चाहते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। सीडी रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जैसे पहले बता चुका हूँ, मीनिंग डैट यू कैन ओनली रीड फ्रॉम द सीडी बट यू कांट राइट इट। सीडी रोम जो होती है वो जस्ट रीड करने के लिए होती है, अगर आपके पास डब्ल्यू रोम होती तो मीन्स री राइटेबल रोम। नेक्स्ट आ जाता है सीडी आर डब्ल्यू आर डीवीडी। CDR and DVD-R are also input and output devices. CD-ROM just rewritable 700 MB तक आपका data store कर सकती है और DVD जो है वो up to 17 GB। Next आ जाता है floppy disk. Floppy disk is a disk storage medium composed of disk of thin and flexible magnetic storage. तो इसके अंदर डियर यूजर्स जो एक्चुअल सिनेरियो होता है कि उसके अंदर जो जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है तो वो मैग्नेटिक टाइप के बनी होती है, तो जिसमें आप लोग डाटा स्टोर कर सकते थे और 1.44 MB जस्ट। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोफोन आ गया है। तो माइक्रोफोन एज डिस्कस अर्लियर, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच टेक्स वॉइसिस, वी यूज इट फॉर वॉइस कमांड्स, फॉर वॉइस चैट एंड द इंटरनेट। स्कैनर ट्रांसलेट printed images into an electronic format that can be stored in a computer's memories. Next, digital camera. Digital camera or webcam is used for video catching to take picture and video conference. जैसे आप लोग जूम को यूज कर रहे होते हैं तो जूम में आपकी वीडियोस रिमोट साइड पे जा रही होती है और रिमोट साइड की जो वीडियो जो है वो आप लोग अपनी जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइट पेन इज यूज फॉर द स्पेशल पर्पज लाइक हाईलाइट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन।
नेक्स्ट आगे जी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज इन। नेक्स्ट है जी ब्लूटूथ आर इंफ्रारेड। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेज आर यूज टू परफॉर्म मेनी टास्क लाइक प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर वॉइस वर्सा। दीज आर ऑल यू कैन से आर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। पार्ट आ जाता है आपके पास आउटपुट डिवाइसेस। एज आई डिस्कस अर्लियर कि एन इनपुट डिवाइसेस इन एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेस बाय द कंप्यूटर बाय यूजिंग द हार्डवेयर वी कैन गेट आउटपुट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। जस्ट लाइक मोनिटर्स, आपके पास ये मोनिटर यूज हो रहे हैं। प्रिंटर्स, आप हार्ड कॉपी जनरेट करना चाहते हैं। स्पीकर, आप वॉइस को जो है वो सुनना चाहते हैं। आप CD और DVD, आप लोग उस डेटे को CD या DVD पर राइट ऑन करना चाहते हैं। फ्लॉपी डिस्क मींस आप लोग स्टोर करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं। फ्लैश ड्राइव इज अनदर टाइप ऑफ जो है वो आपके पास डिवाइस है। एंड ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड्स, दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस।